हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैंटासी ब्लास्टर्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीएसएल का जो 16 मैच है उसके बारे में। तो मैं आपको प्लेइंग 11 बताऊंगा और साथ ही साथ न्यूज़ दूंगा हर एक प्लेयर की। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, सरफराज की और डेन विलास की। और साथ ही साथ बात करें अगर ए खान की, तो ये भी कल का मैच खेलेंगे, और बेन डंक है जो कि कल का मैच नहीं खेलेंगे। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, आप तीन विकेट कीपर में से किसी को भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पर सरफराज अहमद के साथ जा रहा हूँ क्योंकि डेन विलास का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचा है। और सरफराज है जिनकी बैटिंग लगभग हर एक मैच में आ रही है, क्योंकि क्वेटा की जो टीम है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इनकी बैटिंग आसानी से आ रही है फ्रेंड्स। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मैं यहाँ पर सरफराज के साथ जा रहा हूँ। बात करें अगर बैटिंग सेक्शन की, तो फ्रेंड्स यहाँ से शेन वॉटसन, क्रिस लिन, जेसन रॉय और फ़खर जमान, इन चारों प्लेयर को मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। शेन वॉटसन जिन्होंने कि लास्ट मैच में 80 रन की पारी खेली थी, तो फॉर्म में आ चुके हैं वो। और अगर बात करें कुछ और प्लेयर की, तो यहाँ से एस अख्तर है जो कल का मैच खेलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि टीम के कैप्टन है। और उसके अलावा अगर बात करें तो आपके लिए कोई भी एक अच्छी पिक नहीं है, ये सब कल का मैच नहीं खेलने वाले फ्रेंड्स। और अहमद शहजाद है, ये भी कल का मैच मिस करेंगे क्योंकि पिछली बार ये नहीं खेले थे। तो यहाँ पर आप भी इन चार बैट्समैन के साथ जाइएगा क्योंकि ये आपके लिए अच्छी पिक हो सकते हैं। बात करें अगर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो फ्रेंड्स मोहम्मद हफीज़ आपके लिए मस्ट पिक है, आपको इन्हें लेना ही लेना है। और उसके अलावा अगर बात करें तो प्रसन्ना और ए नसीर को छोड़कर यहाँ पर जो चारों ऑलराउंडर है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी पिक हैं। तो अब यहाँ पर हम क्रेडिट मैनेज करते हुए ऑलराउंडर्स को लेंगे, तो यहाँ से मैं मोहम्मद नवाज़ और डेविड विजय के साथ जा रहा हूँ। आप चाहें तो कटिंग और समित पटेल को ले सकते हैं, बट मेरे पास क्रेडिट इनफ नहीं है, इस कारण से मैं नवाज़ और विजय के साथ जा रहा हूँ। बात करें अगर बॉलिंग सेक्शन की फ्रेंड्स, तो हरीश रौफ और फवाद अहमद जो पिछला मैच नहीं खेले थे, और उस्मान खान भी नहीं खेले थे पिछला मैच, तो शायद ही ये कल का मैच खेलें। और उसके अलावा बात करें तो शाहीन अफरीदी आपके लिए अच्छी पिक है, सोहेल खान भी आपके लिए यहाँ से अच्छी पिक होने वाली है, और ए अनवर अली और टाइम मिल्स ये कल का मैच खेलेंगे। तो आपको इन चार बॉलर में से अपने बॉलर चूज़ करने हैं। और उसके अलावा बात करें तो मोहम्मद हसनैन और नईम शाह, तो ये जो बॉलर है वो कल का मैच खेलने वाले हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो कोई भी बॉलर यहाँ से नहीं खेलने वाला है। और एक क्रेडिट मैनेज के लिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दिलबर हुसैन को आप पिक कर सकते हैं जिन्होंने कि लास्ट मैच में 4 विकेट लिए थे, और 8 क्रेडिट है, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बॉलर आपके लिए अच्छे होंगे। तो बात करें मोहम्मद हसनैन की, तो आपको इन्हें तो लेना ही है क्योंकि काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पर मिल्स को ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, इनके पास काफ़ी अच्छी वेरिएशन है। और उसके अलावा आप एस खान के साथ जा सकते हैं। तो ये जो तीन बॉलर है आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप एस खान को पिक नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसके अलावा डी हुसैन को पिक कर सकते हैं जिन्होंने लास्ट मैच में 4 विकेट लिए थे। तो इसका एक फ़ायदा होगा फ्रेंड्स कि आप ऑलराउंडर सेक्शन में फिर यहाँ पर नवाज़ की जगह बेन कटिंग को आसानी से मैनेज कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी टीम, तो मैं फ़िलहाल मोहम्मद नवाज़ के साथ ही जा रहा हूँ, और दिलबर हुसैन की जगह मैं यहाँ पर एस खान के साथ ही जा रहा हूँ। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि शाहीन अफरीदी है, ये भी आपके लिए एक अच्छी पिक है, तो आप क्रेडिट मैनेज करके आसानी से इन्हें पिक कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से क्रेडिट मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हमारी टीम का लास्ट प्रीव्यू देख लेते हैं। और प्रीव्यू देखने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैं कैप्टन यहाँ से हफीज़ को बना रहा हूँ, और उसके अलावा मैं फ्रेंड्स वाइस कैप्टन क्रिस लिन को बना रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको फाइनल प्रीव्यू दिखा देता हूँ टीम का। तो ये हमारी टीम फ्रेंड्स बन के तैयार हो चुकी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कैप्टन मोहम्मद हफीज़ है, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ फर्स्ट डाउन बैटिंग करेंगे और गेंदबाजी भी कर लेते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। उसके अलावा बात करें क्रिस लिन की, तो ये अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए एक अच्छी डिफरेंशियल पिक रहेगी क्योंकि ओपन करेंगे टीम की तरफ से, और अच्छा स्कोर कर दिया तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्रेंड्स यहाँ पर जेसन रॉय और वॉटसन के साथ जाएंगे, आप भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो वाइस कैप्टन की अगर बात करें, तो यहाँ पर शेन वॉटसन और जेसन रॉय, ये दो आपके लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इन चार प्लेयर में से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने, और अगर आप बिल्कुल ही डिफरेंशियल पिक जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से फ़खर जमान को भी अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरी टीम फ्रेंड्स ये रहेगी। तो
उसके बाद अगर आप फ्रेंड्स कोई प्लेयर मिस होता है या कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो उसकी फाइनल अपडेट जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो फ्रेंड्स ये मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको जो कल के मैच की टीम है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, और साथ ही साथ अभी जो मैंने टीम दी है फ्रेंड्स वो फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि क्या पता कोई प्लेयर मिस हो जाए या कोई नया प्लेयर आ जाए। तो फाइनल टीम जो है वो कल मैं आपको टॉस के बाद ही प्रोवाइड करूँगा। 7:30 बजे ये मैच फ्रेंड स्टार्ट होगा, तो 7 बजे आप यहाँ पर ग्रुप में बने रहिएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक मैच की टीम प्रोवाइड की जाएगी, तो आप सर्च कर लीजिएगा हमारे चैनल FBS ग्रुप नेम से। और अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस चैनल का, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।